स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द स्टाफ सुनो पोयम को एक्सप्लेन करूंगा, इसकी समरी बताऊंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इसकी लाइन टू लाइन मीनिंग भी बताऊंगा और इसका जो भावार्थ है वो भी बताऊंगा। द स्टाफ सुनो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, और इसके पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन देना शुरू करूं और आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। इसके अलावा आप वीडियो में या चैनल पे क्या कुछ चाहते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। डस्ट आप सुनो, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रियूड। इस पोयम में, इस कविता में कवि बता रहा है कि किस तरह से वह निराशा में डूबा हुआ है, और निराशा उसके अंदर भी है, साथ ही साथ उसके आसपास का जो माहौल है वह भी निराशा से भरा हुआ है, नकारात्मक है। जैसे कि वह एक पेड़ हेमलॉक ट्री के पास या उसके नीचे खड़ा है और उस पे बर्फ, उसकी शाखाओं पे, उस पेड़ की शाखाओं पे बर्फ जमी हुई है, और एक कौवा है। तो हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है और पॉइजन या जहर या विष नकारात्मकता के ही प्रतीक होते हैं, और कौवा, कौवा को भी हम एक नकारात्मक पक्षी मानते हैं। कौवा एक मृत्यु का द्योतक होता है, डर का प्रतीक होता है, और बर्फ वगैरह जब गिरी होती है तो भी एक सैडनेस सी माहौल में होती है, मतलब कवि के अंदर और कवि के आसपास जो वातावरण है सब कुछ नकारात्मकता से भरा हुआ है। लेकिन इस नकारात्मक माहौल में एक घटना घटती है जिससे कवि का जो हृदय है, जो निराशा से भरा हुआ है, उसमें आशा की ज्योति जलती है और वह निराशा से हटकर फिर से आशावान हो जाता है, और उसका जो दिन, बचा हुआ दिन है, वह फिर अच्छा हो जाता है, क्योंकि दिन का एक हिस्सा वह निराशा में बिता चुका है। ठीक इसी तरह से जीवन में कभी कभी हम पाते हैं कि हमारा जीवन, पूरा जीवन निराशा से भरा हुआ है, हमारे आसपास का जो वातावरण है सब कुछ नकारात्मक हो गया है, और अब जीवन में कोई भी आशा की रोशनी नहीं दिखती। ऐसे में कोई एक घटना घटती है और हमारा बचा हुआ जीवन खुशियों से भरा हुआ हो जाता है। इन दिस पोयम देयर इज ए हेमलॉक ट्री विच इज ए सिंबल ऑफ सैडनेस बिकॉज हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री एंड इट इज covered by snow, and snow is also a symbol of sadness, and a crow, crow is a symbol of fear and death, and the heart of poet is also filled with disappointed, and poet is internally sad, and the outside atmosphere of poet is also filled with sadness. But a incident happens which turns the sadness to happiness, and the remaining part of day a poet becomes happy. As same in our life, we find sometime everything is negative around us and we are filled with sadness and we have no any hope of happiness, but any incident change everything and our life becomes happy. ए वे
A crow swooped down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree के नीचे कभी है और hemlock tree की शाखा पे बर्फ जमी हुई है और एक कौवे के कारण बर्फ के कुछ टुकड़े कुछ पार्टिकल्स कुछ कण कभी के ऊपर गिरते हैं। कौवा अपने आप में निराशा हताशा और नकारात्मकता का प्रतीक होता है और हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है और जहर अभी तो नकारात्मक होते ही हैं और यह कभी पहले से ही निराशा में डूबा हुआ है। उसका जो दिन था विशेषकर वह दिन जिस दिन वह पेड़ के नीचे था उसका जो हिस्सा बीत चुका था वह निराशा से भरा हुआ था, निराशा में डूबा हुआ था। कभी ठीक तभी एक कौवे के कारण बर्फ के कुछ कण उसके ऊपर गिरते हैं और फिर उसके अंदर आशा का संचार होता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है।